बड़ौदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सहित अन्य रेसिडेंट डॉक्टर ने आखिरकार अपनी हड़ताल का आज समापन किया, जिसमें राज्य सरकार की ओर से उनकी मांग और बॉन्ड सहित मांगों को पूरा करने की तसल्ली मिलते हुए आज से वे अपने फर्ज पर तैनात हो चुके थे। पिछले लगातार 60 से भी अधिक दिनों से रेसिडेंट तबीबों द्वारा सरकार के खिलाफ विविध मांगों को लेकर हड़ताल का शस्त्र उठाया गया था। वडोदरा शहर में भी रेसिडेंट डॉक्टर ने हड़ताल जारी करते हुए अपनी कई विविध मांगों को लेकर पिछले 7 दिनों से लगातार सरकार विरोधी धरना करने के साथ आंदोलन छेड़ा था, तो वहीं अब अचानक से हड़ताल को वापस लेते हुए ये हड़ताल को समापन दिया गया। लगातार एक हफ्ते से जारी निवासी तबीबों की सरकार के सामने विविध मांगों को लेकर हड़ताल का शस्त्र उठाने के बाद आज अचानक से ही तमाम की हड़ताल का समापन करते हुए आज वे अपने फर्ज पर तैनात हो चुके। डॉक्टरों की हड़ताल के चलते जाहिर सी बात है कि दर्दियों को भारी परेशानी भुगतनी पड़ी थी। वडोदरा शहर में भी रेसिडेंट डॉक्टर्स द्वारा हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया गया, जिसमें एसएच अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर के साथ बैठक करने के बाद वडोदरा के तबीबों ने ये हड़ताल को वापस लेने का फैसला लिया था, जहां आज तमाम तबीब अपनी हड़ताल का समापन करते हुए फर्ज पर तैनात हुए थे, जिसमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि सरकार की ओर से उनके बॉन्ड सहित की मांगों को पूरा करने की तसल्ली मिलने के साथ हड़ताल का अंत लाया गया है। तो वहीं ये भी जानकारी प्राप्त हुई थी कि सरकार की ओर से डॉक्टरों को दी जाती धमकी से डरने के साथ डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल का समापन किया था, जहां आज डॉक्टर ने इस संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए हड़ताल को वाकई ही अंत लाया गया है और वे अपने फर्ज पर तैनात हो चुके हैं, वैसी जानकारी दी थी। सरकार नेगेटिव अभिगम दर्दियों ने पड़ रहेली तकलीफ ने अकाली ने जोई ने अमे लोग एसएससी हॉस्पिटल बधा रेसिडेंटो नक्की कर्यु छे कि स्ट्राइक अमे पाछी खेंचीए छे अने आज थी राबता मुजब कार्य चालू करशुं अने पाछा काम में जोड़ाई जईशुं। ગઈકાલ રાતે મોડી રાતે ચાલેલી વાટાઘાટો બાદ છેલ્લે સરકારશ્રીએ અમને વર્બલ જે ખાતરી આપેલી એ પ્રમાણે કે અમારી અમુક માગણીઓ પૂરી થશે એ અને પ્રજાના હિતમાં ધ્યાનમાં લઈને અમે આ હડતાલને આજે સમેટી રહ્યા છીએ। અમને પર્સનલી અત્યારે કોઈ ધમકી આપવામાં આવી નથી, આ કોલેજમાં કોઈ ધમકી આપવામાં આવી નથી, બીજી કોલેજમાં કદાચ આપવામાં આવી હોઈ શકે છે બરાબર, પરંતુ એના વિશે મને કોઈ જાણ નથી। ના, એવું કહેવું યોગ્ય નથી બરાબર, અમે કોઈ ધમકીના લીધે સ્ટ્રાઇક પાછી ખેંચી નથી બરાબર, અમારી જે માગણીઓ હતી એમાં અમને જે પૂરી કરવાની વાટાઘાટોમાં અમને જે પ્રમાણે વાતચીત થઈ એ પ્રમાણે અમદાવાદ અમારે ઓલ ગુજરાત જેડીએ તરફથી માહિતી મળી હતી એ પ્રમાણે અમારી અમુક માગણીઓ પૂરી થશે એટલે સરકારશ્રીને અમને ખાતરી છે અને અમારી જે પેશન્ટને દર્દીઓને ધ્યાનમાં લઈને અમે હડતાળ સમેટી રહ્યા છીએ। મેહુલ ચૌધરી।